गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, आज हम किचन में बना रहे हैं अपने पनीर की सब्जी और सूरन की सब्जी, जिसको आप लोग ओल भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो सूरन बोलते हैं इसको गाजीपुर में। तो सूरन की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी, सेवई पूड़ी और पुआ, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं और देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पनीर कट कर लेंगे, सारी सब्जियाँ को कट कर लेंगे, उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी, उसके बाद बनाना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड मतलब आज के दिन तो फ्रेंड गणपति जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की आज पूजा की जाती है और अनंत देवता की पूजा की जाती है। तो उसी के खुशी में ये सब चीज़ें बनती हैं। हमारे पूर्वज लोग बनाते चले आ रहे हैं और इस ये त्यौहार को मनाते आ रहे हैं, तो हम लोग भी वैसे ही मनाते हैं। तो फ्रेंड मैं सेवैयाँ भून लूँगी। भूनने के बाद मेरी इधर पनीर की तैयारी हो रही है, मैं पनीर बना रही हूँ। और इधर मैं देख रही हूँ कि मैं इतना सब कुछ खाने के बाद मोटी होती जा रही हूँ, बट कोई नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। और पतले होने का इस टाइम मुझे बहुत क्रेज चढ़ गया है, और लेकिन पतली नहीं हो रही हूँ मैं, क्योंकि इतना सब कुछ तो खा रही हूँ, तो पता नहीं कहाँ से कैसे दुबली होंगी मैं। तो फ्रेंड धीरे धीरे मैं सब कुछ बना लिया है और देख सकते हैं आप, पनीर की सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। और कैसा बना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको खिला तो नहीं सकती, बट आप देख के बताइएगा ज़रूर। एक अंदर रहता है कि काश मैं खिला पाती हूँ आपको। तो देख सकते हैं सेवैयाँ भी बना लिया है हमने, और उसके बाद देखिए मैं ओल की सब्ज़ी बना ली हूँ, यानी कि हमारे यहाँ गाजीपुर में सूरन की सब्ज़ी। तो फ्रेंड इधर पुआ बन रहा था। पुआ मेरे तो उससे अच्छा तो बनता नहीं, क्योंकि मेरे कढ़ाई में चिपक जाता है, तो ये जिम्मेदारी मम्मी की थी। तो देख सकते हैं आप, ये मम्मी बना रही थी बट मैं इसको देख रही थी कैसे बन रहा है। तो उसके बाद मैं आ गई नाश्ता करने। सब लोग नाश्ता कर चुके थे, तो हम सोचा कि थोड़ा नाश्ता कर लेते, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गया था। तो देख सकते हैं आप लोग भी मीठे से शुरुआत करिए, आप लोग भी खुश रहिए, आपका खुशी से भंडार भरा रहे। तो देख सकते हैं, उस पर पता है मैं मीठा खाने के बाद बहुत लेज़ी फील करने लगती हूँ। उस पर से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत हरासमेंट जैसा मुझे आज फील हो रहा था। तो फ्रेंड थोड़ा ऐसे रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद उसके बाद जब मैं उठी तो मेरा चेहरा एकदम उबले हुए आलू की तरह लगता है। पता नहीं क्यों मेरा, जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो मेरा चेहरा उबले हुए आलू जैसा लगता है। तो फिर मैंने बालों को कंघी किया, थोड़ा बहुत फेस वॉश किया, उसके बाद मैं चली आई थोड़ा बहुत मेकअप। मेरा मेकअप तो यही इतू सा होता है, सिंदूर बिंदी और वैसलीन, बस इतना। कभी कभी ढेर सारा मैं लगा लेती हूँ, बट कभी कभी, रोज़ नहीं। तो फ्रेंड सोचा बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद थोड़ा अच्छा फील होगा, तो मैं बाहर चली आई। बाहर चले आने के बाद थोड़ा स्टाइल तो मारना ज़रूरी है, कि कैसे पता चलेगा कि हम हैं वो। तो फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम कैसे लगे ये भी बताइएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़, लव यू गाइज़, बाय, मिलते नेक्स्ट।